नमस्कार, मैं रितेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स का आज की एक और नई वीडियो में। तो बहनों, आज के इस वीडियो में आप सभी को पोषण ट्रैकर ऐप के बारे में बताने वाला हूं कि पोषण ट्रैकर ऐप पे आप लोगों को कैसे काम करना है। जैसे कि जो नई आंगनवाड़ी सेविका बने हैं जिनको पोषण ट्रैकर ऐप के बारे में कुछ नहीं मालूम है, तो मैं आप लोगों को एकदम जीरो से सिखाने वाला हूँ किस प्रकार से आप लोगों को लॉगिन करना है, किस प्रकार से आप लोगों को डाउनलोडिंग करना है, किस प्रकार से आप लोगों को बेनिफिशियरी जो होती है उनका रजिस्ट्रेशन करना होता है, कौन से मॉड्यूल में कौन सी बेनिफिशियरी का रजिस्ट्रेशन होगा, कौन सा मॉड्यूल कहाँ पे है, कैसे काम करना है, यानी पोषण ट्रैकर ऐप की जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में बताऊँगा। तो इस वीडियो को आप लोग ट्रेनिंग भी समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से आंगनबाड़ी सेविका भवनों को ट्रेनिंग दिया जाता है, तो मैं आप लोगों को ट्रेनिंग के माध्यम से ही सारी चीज़ें सिखाने वाला हूं, ठीक है। तो मैं सभी भवनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप लोगों को सीखना है पोषण ट्रैकर ऐप के बारे में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने आंगनबाड़ी भवनों तक शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो नई आंगनबाड़ी सेविका बने हैं उनको तो पहले क्या करना होगा कि इस पोषण ट्रैकर ऐप को डाउनलोड करना होगा। तो देखिए, आपके फ़ोन में जो प्ले स्टोर दिया होगा आप लोगों को इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे इसका आइकन देख सकते हैं किस प्रकार से जो इमेज है वो दिखाया जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि प्ले स्टोर ओपन कर लेना है और आप लोगों को यहाँ पर पोषण ट्रैकर लिखना है। पोषण ट्रैकर लिख के जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर जो पोषण ट्रैकर ऐप का ऑफिशियल ऐप है वो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे इंस्टॉल का जो ऑप्शन आएगा आप लोगों को इस पर क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को पोषण ट्रैकर ऐप को अन इंस्टॉल करके और फिर इंस्टॉल करके दिखाता हूँ ताकि चीज़ें समझ में आए किस प्रकार से कैसे काम करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको अन इंस्टॉल कर दिया है, अब इसको हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा जो पोषण ट्रैकर ऐप है इंस्टॉल हो रहा है। वीडियो भले ही लंबी हो लेकिन सारी चीज़ें, सारे जो मॉड्यूल है उन सभी के बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं मैं आप लोगों को इस वीडियो पे सिखा के जाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। तो देखिए, हमारा पोषण ट्रैकर ऐप इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके पोषण ट्रैकर ऐप को ओपन कर लेना है, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग ओपन करेंगे तो यहाँ पर कुछ इमेज दिखाए जाएंगे। आपको क्या करना है, इस एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। फिर से इमेज दिखाया जाएगा, फिर आपको एरो पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको डन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा लैंग्वेज सिलेक्ट करने का, यानी कि आप किस भाषा में पोषण ट्रैकर ऐप को यूज़ करना चाहते हैं उस लैंग्वेज को आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर हिंदी सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपके सामने एक और पेज आ जाएगा मोबाइल नंबर और एम पिन डालने का। जैसे कि आप लोग नई आंगनबाड़ी सेविका बहने हैं तो जो आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप चलाने के लिए विभाग में जो नंबर आप लोगों ने रजिस्टर कराया होगा उस नंबर को आप लोगों को यहां पे दर्ज कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को एक पिन दिया गया होगा, उस पिन को आप लोगों को यहाँ पर फिल कर लेनी है, ठीक है। अगर आप लोगों को पिन वगैरह जो है वो आप लोगों को मालूम नहीं है, पिन भूल गए हैं, तो यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे एम पिन भूल गए, आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों का जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसको यहाँ पे दर्ज कर लेना है और उसके बाद OTP प्राप्त करे पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP भेजा जाएगा, उस OTP को डाल के आप लोगों को अपना नया एम पिन बना लेना है, ठीक है। तो चलिए, हम यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और एम पिन डाल के लॉगिन कर लेते हैं, फिर आपको पोषण ट्रैकर ऐप की सारी चीज़ों को समझाते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और एम पिन डाल लिया है। डालने के बाद यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो पोषण ट्रैकर ऐप जो है वो लॉगिन हो जाएगा और आपको कुछ इस प्रकार से जो होम पेज है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों को ध्यान से समझना है कि कौन सा मॉड्यूल कहाँ पे है और किस प्रकार से आप लोगों को काम करना है, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए, जैसे ही ओपन करेंगे ना तो आपके सामने यहाँ पे आपका जो नाम होगा, जो सेविका होगी उनका यहाँ पे जो नाम होगा वो दिखाएगा, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ। उसके बाद आप लोगों का यहाँ पे यूनिकोड, केंद्र का नाम, वो सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखेंगे लाभार्थी, यहाँ पे डेली ट्रैकिंग, यहाँ पे गृह भ्रमण, यानी कि ये जो मॉड्यूल है यहाँ पे आप लोग ओपन करेंगे तो जितने भी लाभार्थी हैं उन सभी का रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डेली ट्रैकिंग, यानी कि जो आप लोग डेली काम करेंगे, जैसे कि बच्चों का अटेंडेंस, आप अपना आंगनबाड़ी केंद्र ओपन किए हैं या नहीं, इन सभी चीज़ों को आप लोग यहाँ पे डेली ट्रैकिंग में जाकर देख सकेंगे। यहाँ पे गृह भ्रमण है, यानी कि होम विजिट, जो आप लोग होम विजिट करते हैं उसको आप लोगों को यहाँ पे डाटा अपलोड करना होता है, ठीक है।
तो इस प्रकार से ये मॉड्यूल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। चलिए मैं यहाँ पर क्लिक करके दिखा देता हूँ। लाभार्थी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने यहाँ पर जो लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन करना होता है उन सभी का एक अलग अलग से मॉड्यूल यहाँ पर दिया गया है। जैसे गर्भवती महिला के लिए, धात्री महिला के लिए, 0 से लेकर 6 माह के बच्चों के लिए, 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों के लिए और 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए यहाँ पे अलग अलग मॉड्यूल दिया गया है। इनमें जाके आप लोगों को अलग अलग जो लाभार्थी है उनका रजिस्ट्रेशन करना होता है। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग यहाँ होम पेज पे। होम पेज पे आने के बाद यहाँ पे डेली ट्रैकिंग हम लोग ओपन करेंगे। जैसे कि हम लोगों को डेली ट्रैकिंग में दिया जाता है कि आप आज आंगनबाड़ी केंद्र खोले हैं या नहीं, उसकी हम लोगों को स्थिति दर्शानी होती है। तो आप लोग यहां से आप लोग अपने आंगनबाड़ी केंद्र की स्थिति को दर्शाएंगे, यानी कि आंगनबाड़ी जब खोलेंगे तो आप लोगों को यहां पे ओपन क्लोज का जो ऑप्शन है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, यहां पे AWC फ़ोटो यानी कि आपके आंगनबाड़ी केंद्र पे जो गतिविधियां होगी उनकी फ़ोटो अपलोड करनी है। जैसे कि बच्चों को सुबह का नाश्ता, SCM वितरण, प्री प्राइमरी स्कूल की शिक्षा और जो इवेंट किए जाते हैं उन सभी की पिक्चर यहाँ पर अपलोड करने होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कैमरा का ऑप्शन दिया गया है। हर एक मॉड्यूल का जो पार्ट है वो आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से अलग अलग मिलेगा, किस प्रकार से कौन से मॉड्यूल में काम करना है। अभी फ़िलहाल आप लोग को बेसिक चीज़ें समझनी है कहाँ पे किस प्रकार से काम करना है। ठीक है, यहाँ पे बच्चों की उपस्थिति दर्ज होगी। ठीक है, बच्चे कितने आए हैं, कितने बच्चों को नाश्ता दिया गया है, कितने बच्चों का मॉर्निंग स्नैक्स दिया गया है, इन सभी चीज़ों की डिटेल्स यहाँ पे अपलोड की जाएगी। उसके बाद यहाँ पे जो लाभार्थियों को THR और SCM प्रोवाइड कराते हैं उन सभी की डिटेल्स यहाँ पे फिल होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को डेली ट्रैकिंग में ये सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है गतिविधि, दो गतिविधि यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना होता है। व्यक्तिगत स्वच्छता, पूर्व विद्यालय शिक्षा, तो यहाँ पे आप लोगों को दो बॉक्स मिलेगा, दोनों को चेकआउट करके आप लोगों को सबमिट कर देना होता है। ठीक है, तो ये डेली ट्रैकिंग में आप लोगों को इस प्रकार से जो ऑप्शन है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर ग्लीफ हॉर्मोन यानी कि आप लोगों के फोन में जितने भी लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन होगा उन सभी का ग्रीव हॉर्मोन जब जब आएगा उसका डेट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा कि किस डेट को किस लाभार्थी के घर पे ग्रीव हॉर्मोन करना है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है किनके घर पे हमें विजिट करना है, उनका नाम यहाँ पे सारा डिटेल्स उनका आ चुका है। आप लोगों को दौरा करें यानी कि विजिट पर क्लिक करके आप लोगों को इस प्रकार से यहाँ पर विजिट कर लेना है। ठीक है, तो अभी मैं जो चीज़ बता रहा हूँ वो सारी बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे धात्री महिला का रजिस्ट्रेशन होगा, यहाँ पे बच्चों का रजिस्ट्रेशन होगा, 0 से लेकर 6 वर्ष तक बच्चे हैं उन सभी का रजिस्ट्रेशन यहाँ से आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग यहाँ पे होम पेज पे। यहाँ पे आप लोगों को एक एक्शन सेंटर मिलेगा यानी कार्रवाई केंद्र। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जितने भी मॉड्यूल दिए गए हैं इन सभी में अलग अलग प्रकार के काम किए जाएंगे। पिता या अभिभावक के आधार को पहचाने, लाभार्थी का पंजीकरण यानी कि यहाँ से भी आप लोग लाभार्थियों का जो पंजीकरण है, रजिस्ट्रेशन है वो कर सकेंगे। यहाँ पे आधार सत्यापन यानी जितने लाभार्थियों का आप लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे उनका आधार सत्यापन किया जाएगा। यहाँ पे मोबाइल सत्यापन किया जाएगा यानी मोबाइल वेरीफाई किया जाएगा। प्रवासी प्रोफाइल यानी कोई भी लाभार्थी दूसरे आंगनबाड़ी केंद्र में रजिस्टर हो गई है उसको आप लोगों को अपने आंगनबाड़ी केंद्र में शिफ्ट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। रेफरल रजिस्टर यानी कि जो बच्चे अति कुपोषित कुपोषित होते हैं उनको यहाँ से रेफर करने की भी जो मॉड्यूल है दी गई है। यहाँ पे फैमिली सर्वे यानी कि जितने भी लाभार्थी हैं उनके फैमिली का सर्वे यहाँ से किया जाएगा। तो आप लोगों को निश्चिंत रहना है, टोटल जो मॉड्यूल है उन सभी मॉड्यूल की अलग अलग एक पार्ट करके आप लोगों को वीडियो इस चैनल से मिल जाएगी। वो आप लोगों को देख के सारी चीज़ें सीख लेना है क्योंकि सीखने से ही सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आएगी कि कैसे पोषण ट्रैकर ऐप पे काम किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर स्टॉक पंजी का एक ऑप्शन मिल जाएगा, एक मॉड्यूल मिल जाएगा। लाभार्थियों का जो टीकाकरण है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है डैशबोर्ड यानी कि आप लोगों को एक डैशबोर्ड का ऑप्शन दिया जाएगा जहाँ पे आप लोगों को कौन कौन से काम करने हैं सारी चीज़ों की जानकारी यहाँ से प्राप्त करनी होगी। डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो ग्रीव भ्रमण है, कितने ग्रीव भ्रमण आप लोगों को करने हैं इस महीने, कितने जो बच्चे हैं उनको ग्रोथ मॉनिटरिंग करना है यानी कि वृद्धि निगरानी करना है, इसमें आप लोगों को ऑप्शन दिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ग्रीव भ्रमण, यहाँ पे वृद्धि निगरानी, यहाँ पे जो अति कुपोषित कुपोषित बच्चे होंगे उनका यहाँ पे जो डिटेल्स है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे ये मॉड्यूल दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को एक और मॉड्यूल देखने को मिलेगा, MPR रिपोर्ट यानी कि मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट। आप लोग इस महीने पोषण ट्रैकर ऐप पर कौन कौन सा काम किए हैं, कितना काम किए हैं उसकी रिपोर्ट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे सारी रिपोर्ट आप लोगों को दिखाई जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पे ये रिपोर्ट देखने को मिल जाएगी। पहले ये सारी चीज़ें नहीं थी, नए नए अपडेट आने के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे लाभार्थी
यहाँ पे नीचे आप देखेंगे कि एक ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग क्लिक करके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे लाभार्थी यानी कि जितने लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन करेंगे यहाँ पे क्लिक करके भी आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डेली ट्रैकिंग, यहीं से आप लोग डेली ट्रैकिंग कर सकते हैं। गृह भ्रमण का ऑप्शन है, यहाँ पर आप लोग गृह भ्रमण कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर और भी जो मॉड्यूल हैं जिसमें और भी काम करने होते हैं उसके लिए यहाँ पर आप लोगों को मोर या ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने बहुत सारे और भी जो प्रोफाइल है, जो मॉड्यूल है वो खुल के आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को सारी चीज़ें और भी यहाँ पे अपडेट करनी होगी, जैसे कि डैशबोर्ड है, यहाँ पे MPR रिपोर्ट है, संसाधन यानी आप लोगों को आंगनबाड़ी केंद्र पे किस प्रकार से काम करने हैं, जो रिसोर्सेज होते हैं, कुछ वीडियोज़ यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर इवेंट में आप लोग अपने आंगनबाड़ी केंद्र पे कौन कौन सी गतिविधियां कर रहे हैं यहाँ पे वो सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी, जैसे योग दिवस है, VHSND कार्यक्रम है, CBE कम्युनिटी बेस्ड इवेंट, प्रशिक्षण मॉड्यूल, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को इस मॉड्यूल में देखने को मिलेगी, इवेंट वाले मॉड्यूल में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आधार सत्यापन का ऑप्शन यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा, लाभार्थी निवारण, लाभार्थी टीकाकरण, रेफरल रजिस्टर, परिवार सर्वेक्षण, यानी कि जो आप लोगों को होम पेज पे देखने को मिलता है वही चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा, यहाँ से भी आप लोग जाके वो काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रवासी प्रोफाइल, आंगनबाड़ी प्रवास, स्टॉक पंजी, मुद्दा उठाएँ, उसके बाद यहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र उपयोगकर्ता, आंगनबाड़ी केंद्र की स्थिति यानी कि आप लोग यहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र की क्या स्थिति है उसको यहाँ से आप लोग को जो डेटा है वो यहाँ से भर के अपलोड कर सकते हैं। AWS प्रोफाइल अपडेट करें यानी कि जो आंगनबाड़ी सहायिका है उनका प्रोफाइल अपडेट करने का यहाँ से ऑप्शन दिया जाएगा। यहाँ पर बेनिफिशरी रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट, यहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र का जो लोकेशन है उसको अपडेट करना होता है, यहाँ से आप लोग लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों को पोषण ट्रैकर ऐप पे इन सारे मॉड्यूल में काम करना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं आंगनबाड़ी सेविका का एक प्रोफाइल दिया गया है, नीचे आप लोग आंगनबाड़ी सहायिका का प्रोफाइल देखें, यहाँ पर आंगनबाड़ी सेविका का प्रोफाइल दिया गया है, यहाँ पर क्लिक करके आंगनबाड़ी सेविका का जो प्रोफाइल है वो देख सकते हैं कि उनका मोबाइल नंबर, आधार वेरिफिकेशन, सब चीज़ यहाँ पर जो विभाग से है वो मिला हुआ होगा, तो आप लोग को यहाँ पर सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इसके नीचे ही एक EKYC का भी एक ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा, भी आंगनबाड़ी सेविका हैं और सहायिका हैं उनका EKYC भी किया जा रहा है, तो आप लोगों को EKYC भी करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को पोषण ट्रैकर ऐप में ये सारे मॉड्यूल हैं जिसपे आप लोगों को काम करना है। मैं आप लोगों को इस वीडियो में तमाम जो बेसिक चीजें हैं वो समझाने की कोशिश की है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को पोषण ट्रैकर ऐप से रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, हमारे इस चैनल के कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। आप लोगों को अलग अलग जो मॉड्यूल है उन सभी की जानकारी इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी, ठीक है। जितनी भी नई आंगनबाड़ी सेविका बहनें वीडियो को देख रही हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी सेविका बहनों का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।